क्या वाकई में अयोध्या के अंदर साक्षात विभीषण प्रकट हुए? क्या कलयुग में ऐसा कोई चमत्कार हुआ है जिसको लेकर चर्चा हो रही है? आखिर क्या है इसकी सच्चाई, हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह शुरुआत में कहा जा रहा था कि अयोध्या के आसपास गिद्धों के झुंड को देखा गया था, और गिद्ध के बारे में कहा जाता है कि उनका रामायण के अंदर काफी अहम रोल था। स्वयं जटायु ने माता सीता को रावण से बचाया था और जटायु रावण के हाथों वहीं पर शहीद गए थे। हालांकि कुछ लोगों ने उस घटना को एक संयोग मात्र कहा था, मगर कुछ लोग इस चमत्कार को दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कह रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दे। दोस्तों, विभीषण के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान राम लंका गए थे तो उन्होंने पूरा उनका साथ दिया था। विभीषण ने अपने भाई रावण के कहीं राज भगवान राम को बता दिए थे और विभीषण भगवान राम के परम भक्त थे। अभी जैसा कि आपको पता है कि अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी वजह से अयोध्या आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रखी गई है और इसी दिन का राम के भक्त लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पिछले 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को 12:20 पर शुरू होगा। मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय ने बताया कि 18 जनवरी को भगवान राम की प्रतिमा को आसन पर रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि भगवान राम की प्रतिमा 5 साल के बच्चे के स्वरूप की होगी, जिसका वजन 120 से 200 किलोग्राम तक होगा। किसी भी मंदिर में की जाने वाली भगवान की मूर्ति की प्राण प्रति का बहुत महत्व होता है। कहा जाता है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना कार्य अधूरा माना जाता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है, अर्थात साक्षात प्रभु श्री राम अयोध्या राम मंदिर में निवास करने वाले हैं। अब दोस्तों, आपको विभीषण के बारे में बताते हैं। क्या वाकई में विभीषण आज भी पृथ्वी पर चिरंजीवी होने की वजह से मौजूद है? दोस्तों, एक बार की बात है, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने एक साथ ब्रह्मदेव की तपस्या की। रावण को चिरंजीवी होने का वरदान नहीं दिया जा सकता था, इसलिए रावण ने एक मनुष्य के द्वारा अपनी मृत्यु को चुना, क्योंकि उसको लगता था मनुष्य जैसा तुच्छ प्राणी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा सकता है। उसने तपस्या शक्तिशाली बनने के लिए किया था। कुंभकर्ण खाने का शौकीन था और उसने तंद्रा का वरदान मांगना चाहा। लोक कल्याण के लिए सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो गई, इसलिए उसने तंद्रा की जगह निद्रा का वरदान मांग लिया। रावण और विभीषण के विनती करने पर कुंभकर्ण को प्रत्येक 6 मास में जागने का वरदान ब्रह्मदेव ने दिया, जबकि विभीषण ने इन सब से अलग भगवान की भक्ति और भगवान का साथ लेना चाहा, तब ब्रह्मदेव ने उसे यह वरदान दे दिया और बताया कि भगवान विष्णु राम अवतार में उसका कल्याण करेंगे। इसलिए विभीषण उस समय से भगवान राम को स्मरण करता रहा। यही कहानी है विभीषण के राम नाम जपने की। जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, लंका पर विजय पाई थी और पुष्पक विमान के जरिए जब वह फिर से अयोध्या लौटे थे, तब प्रभु श्री राम के साथ विभीषण जी भी अयोध्या आए थे और कई दिनों तक अयोध्या में ही रुके थे। इसके बाद उन्होंने लंका का राज सिंहासन संभाला और लंका के राजा बन गए। यानी प्रभु श्री राम की भक्ति उनके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई है। और यह तो सभी जानते हैं कि जिसने भी राम जी की शरण ले ली, वह अपने आप अपनी पूरी जिंदगी के पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन आखिर क्या वाकई में विभीषण को चिरंजीवी का वरदान मिला हुआ था? हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसे 8 चिरंजीवी मौजूद हैं जो अमर हैं और कलयुग में भी जीवित हैं। मान्यताओं के अनुसार उनका अस्तित्व पृथ्वी के अंत तक रहने वाला है। चिरंजीवी उसे कहा जाता है जो अमर होता है, अर्थात जिनका कभी अंत नहीं होता। इसमें से कुछ को ईश्वर द्वारा अमरता का वरदान दिया गया है तो कुछ श्राप के कारण अमर हो गए हैं। आइए जानते हैं कि ये चिरंजीवी कौन है। हनुमान जी को अमरता का वरदान माता सीता द्वारा दिया गया है। हनुमान जी जब प्रभु श्री राम का संदेश लेकर सीता जी के पास अशोक वाटिका गए थे, तब सीता जी ने उनकी भक्ति और राम के प्रति समर्पण को देखते हुए यह वरदान दिया था। माना जाता कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर ही वास करते हैं और भगवान राम की भक्ति में लीन हैं। इसके अलावा दोस्तों, भगवान श्री राम ने विभीषण को सोने की लंका सौंपी थी, रावण के सबसे छोटे भाई। साथ ही राम के परम भक्त विभीषण को अमृता का वरदान भगवान राम ने दिया था। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को सोने की लंका सौंप दी और अमृतत्व का वरदान दिया।
माना जाता है आज भी विभीषण पृथ्वी लोक पर मौजूद हैं और वह सृष्टि के अंत तक इसी पृथ्वी पर रहेंगे। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि विभीषण जब छोटे थे तब से ही वह अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, यहां तक कि उन्होंने अपने बड़े भाई रावण का भी साथ नहीं दिया था। अपने भाई के विरुद्ध जाकर उन्होंने भगवान श्री राम का साथ दिया था, इसलिए प्रभु श्री राम ने उन्हें सृष्टि के अंत तक अजर अमर रहने का वरदान दिया। जब कलयुग का अंत होगा उस समय भगवान विष्णु एक बार फिर से अवतार लेंगे और वह कल्कि अवतार होगा। उस समय जितने भी चिरंजीवी पृथ्वी पर मौजूद होंगे वह सब भगवान कल्कि का साथ देकर पाप को नष्ट करेंगे। मगर दोस्तों अभी कुछ वीडियो में दावा किया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले साक्षात विभीषण अयोध्या के अंदर प्रकट हुए हैं। क्या वाकई में यह बात सच है या फिर यह कहानी है जो लोगों द्वारा बताई जा रही है? इस बात की सच्चाई जानने के लिए हमने यूट्यूब को खंगालना शुरू किया। तब हमें कई सारे वीडियो मिले जिसमें कहा जा रहा था कि कुछ मजदूर रात में सो रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक प्रकार की दिव्य रोशनी की आहट दिखाई देती है। मजदूरों को मंदिर के अंदर से प्रभु श्री राम के नाम जाप की ध्वनि सुनाई दी। रमेश नाम का मजदूर जब रात में उठता है तो उसको खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। एक बार तो वह वापस सो गया था लेकिन मन ही मन उसके दिमाग में यह बात बार बार आ रही थी। उसे वह आवाज राम मंदिर से ही आती प्रतीत हो रही थी, तो उसके मन में जानने की उत्सुकता हुई आखिर इतनी रात्रि को राम मंदिर के अंदर राम नाम का जाप कौन कर रहा है। उसने अपने साथियों को उठाना चाहा लेकिन सभी गहरी नींद में थे। जब उसने राम मंदिर के गर्भगृह में झांक कर देखा तो वहां पर एक बहुत ही दिव्य पुरुष जिनके अंदर से काफी तेज प्रकट हो रहा था। वे अपने हाथों में माला लिए राम नाम का जाप कर रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई वह बहुत बड़ा महापुरुष हो। उनके बैठने का तरीका और उनका बर्ताव राजाओं की तरह मालूम पड़ रहा था। लेकिन जब इस घटना के बारे में उसने सुबह उठकर दूसरे लोगों को बताया तो किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अब यह घटना कितनी सच है इसके बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन यूट्यूब पर वीडियो लगातार काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको क्या लगता है, यह घटना सत्य है या असत्य? हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए। वही अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे ही तैयारियों को लेकर भी तेजी की जा रही है। राम मंदिर के गर्भगृह का स्वर्ण द्वार बनकर तैयार हो गया है, इसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। गर्भगृह का गोल्डन गेट बनकर तैयार हो गया है और यहीं पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। एक तस्वीर में मंदिर परिसर के अंदर रोशनी दिखाई दे रही है, इससे मंदिर का नजारा बेहद शानदार नजर आ रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।